और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सहकारिता चुनाव के रंजिश को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच में जमकर हाथापाई हुई। इस बीच किसी ने फायरिंग कर दी, जिसमें कांग्रेस के जिला मंत्री भरत मिलन पांडे और बीजेपी के अजयगढ़ महामंडल के महामंत्री अवध किशोर तिवारी गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को पन्ना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेताओं ने झगड़े का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के महामंत्री भरत मिलन पांडे के भाई का यह कहना है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पन्ना जिला अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच भी शुरू कर दी है। ये वो इनकी घटना का कारण सहकारिता का चुनाव है। सहकारिता चुनाव में ये इनका कोई व्यक्ति, इनके परिवार का कोई व्यक्ति सहकारिता का चुनाव जीता है। कांग्रेस के लोग वहाँ हारे हैं। कांग्रेस के जो भरत मिलन पांडे हैं, वो पहले से अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आज घटना सुबह से ये लोग आपस में वहीं खड़े थे, हॉट टॉक हुई और उसके बाद इन लोगों के झगड़े हो गए आपस में। भैया हमारे बैठे थे मालोगंज में, एक दिन 10-12 लोग आए और लाठी और राइफल ली, तो राइफल उसने मारी थी, लगा ड्राइवर ने पकड़ लिया उसके, तो राइफल यहाँ मोड़े से निकल गई और लाठी, एक लाठी मार दिया और इतना मैं जानता हूँ, बाकी पता नहीं था इसमें। कितनी चोट लगी? काफी सर चोट लगी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। नमस्कार।